sir. Thank you very much, sir. Fair. Once again, you have given me a chance to speak on the topics of the Amritsar. Myself, Advocate Rajiv Sharma, CA Rajiv Sharma. तो सब तो पहले तो मैं अपने जो नवे कमिश्नर साहब आए अमृतसर पंजाब पुलिस के जस जसकरण सिंह जी आई पी एस उन्हों का बड़ा निघा स्वागत करना कि सर तुम अमृतसर आए हो गुरु नगरी आए हो तो साढ़े वास्ते बड़े माण की गल है कि एक नए ऑफिसर ने एक ईमानदार ऑफिसर ने जिहदा ट्रैक रिकॉर्ड इन्ना क्लीन है उन्होंने चार्ज लिया सर तुहाडे बारे में काफ़ी रिसर्च की हुई है यू आर ए वेरी गुड परसन यू आर हैविंग ए क्लीन रिकॉर्ड एंड वेरी गुड परसनैलिटी सर तो मैं तय दिलो सर अपनी टीम वालों सी एम मिथांडा जी वालों माई सर राजीव शर्मा अमरिंदर सिंह उप्पल मेरे एडवोकेट पार्टनर है उन्होंने वालों मैं तुहानू जी आया नूं कहना सर ठीक है जी एंड सर मैं कुछ गल्लां करना चाहवांगा तुहाडे नाल मैं कल आना सी तुहाडी जिहड़ी इंटरव्यू च मैं थोड़ा काम पै गया मैं नहीं आ पाया तुहाडी जिहड़ी सी इंटरव्यू तो वो मैं पॉइंट्स इत्थे रख रहा पहला पॉइंट सर सब तो पहले लॉ एंड ऑर्डर दा सर अमृतसर विच सर कोई इंडस्ट्री नहीं गी लैट मी टैल यू एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस कम्युनिटी इन अमृतसर इतने कोई इंडस्ट्री नहीं है सर इंडस्ट्री हैगी भी है तो बड़ी थोड़ी जी है और मेनली अमृतसर ट्रेडिंग होती है वो बिजनेस पार्ट बड़ा ही घट है अमृतसर मेनली सर्वाइव करता सर टूरिस्ट के उपर डेली अमृतसर से ड्यू टू द फैक्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ साडे गुरु दरबार साहब इतने ने गोल्डन टैंपल जेडे अमृतसर अमृतसर साहब गोल्डन साडे वास्ते बड़ी मान की गल हैगी कि दरबार साहब करके आप किनिया जीवनियाँ जी मतलब अर्थ वास्ते जोड़े है ना अर्थ इकोनमी जी है काफ़ी हद ते हद तक गोल्डन टैंपल करके एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं इतने नतमस्तक होने वास्ते पूरे वर्ल्ड चो इंडिया तो मैं कहता नहीं पूरे वर्ल्ड तो टूरिस्ट इतने आते हैं डेली बेसिस से ऑन एन एसटीमेट 1,20,000 तो लैके 1,50,000 बंदा डेली जो अमृतसर विजिट कर रहा है सर ठीक है तो सब तो पहला पॉइंट जो लॉ एंड ऑर्डर का सर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेनटेन रहना चाहिए ठीक है जी कोई क्राइम की ऐसी एक्टिविटी ना हो जिदे करके टूरिस्ट के मन च डर फैले अगर टूरिस्ट के मन से सर डर आया कुछ भी आया तो टूरिस्ट जो स्टॉप कर देगा वो करके किन्ने बिजनेस स्टॉप हो जाएंगे मैं तुम दस नहीं सकता होटल इंडस्ट्री सारी इन्हें डिपेंड कर रही है टूरिस्ट से तुहाडा रेस्टोरेंट बिजनेस खाण पीन का काम इन्हों पर डिपेंड कर रहा सर अमृतसर की पापड़ वड़ियाँ तक भी टूरिस्ट के सिर पर चल रही हैं तो वाघा बॉर्डर भी बड़े जाने जाते हैं तुम देख सकते हो कितनी जबरदस्त इकोनमी टूरिस्ट के सिर पर सर्वाइव कर रही है तो इस करके लॉ एंड ऑर्डर प्लीज़ सर मेनटेन किया जाए कोई बंदा किसी भी कम्यूनिटी बिलोंग करता हो अगर उन्हें लॉ एंड ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की या कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो वो जगह जी है सलाखा के पिछे उन्होंने चुक के सलाखा के पिछे भेजा जाए लोगों के मन च विश्वास जोड़ा है इंटैक्ट रखा जाए तो मैं इस टूरिस्ट पॉइंट को विराम देना कि टूरिस्ट के बारे सोचा जाए उन्होंने वास्ते जड़िया गाइडलाइनस बनाई जान तो उन्होंने हर एक प्रॉब्लम सुनिया जाए थैंक यू सैकेंड सर तुम गल की गन कल्चर की हमने जोड़ा कोई थोड़े दिन पहले हादसा होया कि आप हादसे में लिंक कर रहे हैं गन कल्चर के नाल तो मान साहब ने भी भगवंत मान जी ने भी अनाउंस किया कि आप गन कल्चर को कंट्रोल कर जा रहे हैं ये कर जा रहे हैं 360,000 प्लस सर रिवॉल्वर के लाइसेंस जोड़े है पूरे पंजाब से इशूड है भगवंत मान जी ने भी बड़ी वड्डी गल करती है तो उन्होंने कहा कि आप हर एक जोड़ा लाइसेंसी रिवॉल्वर है वह आप ऑडिट करवावे और माइन्यूटली ऑडिट करावे सर मैं थोड़ा दसना चाहवागा मैं सी ए भी हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हाँ साडा काम मेनली ऑडिट का ही होंदा सी पहले नाउ आई एम एडवोकेट मैं प्रैक्टिस लॉ दी कर रहा सर ऑडिट कराना इज़ नॉट ए सिंपल थिंग ऑडिट करवाने च कितनी ज़्यादा एफर्ट्स एंड लेबर इनवॉल्व होंदी है उहदे बारे मैं तुहानू दस ही नहीं सकता ठीक है जी जो चीज़ तुसी कह रहे हो सर विद ऑल ड्यू रिस्पैक्ट एंड हम्बलनैस मैं तुहानू कहना चाहवांगा सर दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल पंजाब पुलिस ऑलरेडी ओवरबंडड हैगी है इन्ना काम पंजाब पुलिस को होगा और फोर्स जी है ऑलरेडी घट है उपरों की वी आई पी ड्यूटीज इन है सर तो इस करके जरा ऑडिट की गल हैगी है ठीक है तुम कह रहे हो तो करवा सकते हो तो करवा लो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं पर मैं अपनी जी है एक सलाह देना चाहवागा अगर तुम गन कल्चर को कंट्रोल करना चाहते सर तो कुछ करने की लड़ नहीं सिर्फ डेटरेंस क्रिएट कर दो डेटरेंस का मतलब है डर अगर कोई बंदा कोई गलत करने की कोशिश हो दिमाग कुछ आ रहा फतूर तो उन्होंने याद आ जाए कि दो चार घटनावान ऐसी हो गई पुलिस ने कार्रवाई की तुहाडे को ऑलरेडी भी घट्टो घट मेरे अकॉर्डिंगली 500 केस ऐसा पेंडिंग पिया जिस कंप्लेंट आई हुई है रिवॉल्वर फायरिंग दी की करते हैं लोग कुछ जोड़े है आउट ऑफ देयर माइंड होंगे ने फायर कर देंगे ने चैकिंग करते हैं ठीक है तो तुम वो जोड़े केसिस उन्होंने कार्रवाई कर दो सर होर कुछ करने की लड़ नहीं है तुम देखो गलती कि है दोषी कौन है अक्यूज कौन है उन्होंने कार्रवाई करके उन्होंने परचे कट दो जिन्हें जोड़े ऑलरेडी कंप्लेट थोड़े को पेंडिंग है ठीक है तो ये की होगा सर एक डेटरेंस क्रिएट हो जाएगी डर क्रिएट हो जाएगा कि आप गन जो इमप्रोपरली यूज़
नहीं करना, सिर्फ डेटरेंस क्रिएट करो सर, ऑडिट नू भूल जाओ, ऑडिट नहीं करवा सकते सर, मैंने पता ना बींग एन ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट सी, मैं बैंकों से भी ऑडिट्स करता रहा, ऑडिट करना इज नॉट ए स्मॉल थिंग, और माइन्यूटली ऑडिट करना तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इस करके सिर्फ डेटरेंस क्रिएट कर दो, गन कल्चर ऑटोमैटिकली अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। जेडे अपनी टोर मारते हैं गन लगा लगा के, या गन नू जेड़ा ब्रांडाइज करते हैं या ओपन फायरिंग करते, सारे कंट्रोल चाहे ने, कुछ परचे कर दो सर, मैं ही तुम रिक्वेस्ट करांगा। पंजाब पुलिस इज ए डिसिप्लिन फोर्स, अगर डिसिप्लिन फोर्स को 80,000 हथियार ने, तो जेडे अनडिसिप्लिन सिविलियंस है उन्होंने को 4,00,000 है ने, तो कंपेरिजन तुम आप देख सकते हो गन कल्चर है और एग्जिस्ट करता है। और जेडे पंजाबी गाने आते भी गन कल्चर को बड़ा ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, इन्हों भी कंट्रोल करने की जरूरत है, वो तुम ऑलरेडी कहता वो तुम कर लेना, वो कोई वड्डी गल नहीं है। पर सर मेरे अकॉर्डिंगली डेटरेंस क्रिएट करो, कुछ परचे करो, जिसे साफ साफ दोषी पाए जाते उन्होंने परचे करके उन्होंने लाइसेंस कैंसल किया जाए, तो जिते जरूरत है उन्होंने जेल च भी सुटिया जाए, तो आप ही गन कल्चर ऑटोमैटिकली कंट्रोल हो जाना। बिकॉज दिस इज़ अ वैपन ऑफ सेफ्टी सर, दिस इज़ नॉट ए वैपन ऑफ शो, इनू शो करने वास्ते नहीं बनाया हुआ, ठीक है। हाँ एक पुलिस वाले को होता है तो सानू कॉन्फिडेंस मिलता है, पर यही वैपन अगर कोई सिविलियन कैरी करता जिद कोई रैंक नहीं है, वो जो डिसिप्लिन फोर्स नहीं है, तो एक डर की भावना आम बंदे दे मन च आती है देख के कि यह बंदा कितने को गलत यूज़ ना कर लवे। थर्ड पॉइंट मैं गल करना चाहूँगा, थोड़े इंटरव्यू च कल जो प्रेस मीट हुई है ट्रैफिक की जी गल की गई है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम सर बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, तो मैं मानता कल एक पत्रकार भरा जो साढ़े भरा ने उन्होंने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन रेज किया कि आप बाइक पर भी चले जाइए ना सर, कई बार अद्धा घंटा लग जाता ट्रैफिक जाम्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ सल्यूशन की है सर, गुरु नगरी है, टूरिस्ट बहुत आता, 1.5-1.5 लाख कई बार टूरिस्ट निकलते हैं बाबा वाघा बॉर्डर वास्ते, तो टाइमली सर उतने पहुँच नहीं पाते, क्यों रस्ते ट्रैफिक जाम ही इन्ना मिल जाता है, वो टाइमली उतने विजिट ही नहीं कर पाते और परेड भी हो जाती है। तो सर यदा सल्यूशन है कि तुम जी कमेटीज बनाओ सर, पुलिस सारे काम नहीं कर सकती, पुलिस क्यों नहीं सारे काम कर सकती, पुलिस इज़ ऑलरेडी ओवरबर्डनड, उस को पुलिस को ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर की जी है जी व्यवस्था उन्हें कर रही है, वो जी उन्होंने वेखेगी या पहले सोचेगी कि उन्हें की करना किस तरह करना। सर ऑलरेडी साढ़े समाज बड़े ज़्यादा रिटायर्ड जे डिफेंस परसनल है, रिटायर्ड डॉक्टर्स है, रिटायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, रिटायर्ड एडवोकेट्स ने, सारे पढ़ लिखे सीनियर साढ़े पत्रकार भरा भी कुछ ऐसे ने जोड़े बड़े समर्थ परिवारों को संबंध रखे है, इन्हों की एक टीम जी बनानी चाहिए। और मैं एक टीम बना के थोड़े को आ रहा सर, मैं तुम्हें विजिट कर रहा हूँ, तुम्हें मिलन आ रहा, और सारे पॉइंट सर मैं थोड़े अगर जोड़े है रेज करने हैं। मैं एक बड़ी अच्छे बंद टीम जिसे डिफेंस परसनल भी होंगे, कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ CAs होंगे, एडवोकेट्स होंगे, और कुछ पत्रकार भरा होंगे जोड़े तो रेकमेंडेशन देंगे सर कि यह जी ट्रैफिक की प्रॉब्लम इनू इस तरह कर दी है, ठीक है, यह ट्रैफिक की प्रॉब्लम इनू इस तरह कर दी है। सर ये भी साढ़े रिसोर्सिज है जोड़े साढ़े सीनियर सिटीजनस है या जोड़े भी पढ़े लिखे साढ़े समाज के जोड़े पार्ट ने, वो साढ़े जोड़े है रिसोर्सिज है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिज कहता कि सानू इन्हां नू यूज़ करना चाहिए समाज की सेवा वास्ते। पंजाब पुलिस सारा काम अपने सिर ते ना लवे, कुछ काम जड़ा सिविलियंस जड़े पढ़े लिखे जड़े जिन्हों आप बुद्धिजीवी कहते हैं जिन्हों इंटलैक्चुअल पार्ट ऑफ द सोसाइटी कहें उन्होंने वास्ते भी थोड़ा काम किया जाए। तो मैं थोड़ा एक लिस्ट लैके आ रहा सर, उन्होंने अप्रूव कर दो प्लीज़, उसे साइन कर दो, रेकमेंडेशन देंगे, और रेकमेंडेशन मानना या ना मानना तो तुहाडी है सर, तुसी नहीं मन्नी होगी ना मानना कोई गल नहीं, पर वो तुहानू रेकमेंडेशन दे दिया करेंगे कि इत्थे यह चीज़ की जरूरत है, इत्थे यह चीज़ की जरूरत है, और ट्रैफिक प्रॉब्लम तुसीं देखना काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे बंदे जिहड़े अपने आप समर्थ है जिन्हों को अर्थ की कमी नहीं, जिन्हों को चार पैसे है, जिन्हों को सैलरीज आ, जिन्हों को पेंशन आ रही हैं, जिन्हों के बिजनेस है, वो चाहते हैं सर समाज सेवा करना, पर मौका नहीं दिता जाता ऐसे बंदे नू। तो मैं अपने इनिशिएटिव के नाल ऐसे बंदे नू इनवॉल्व करके एक टीम बना रहा, और टीम की जिहड़ी लिस्ट है मैं तुहानू जल्दी, क्योंकि मैं किसी काम सर डिले नहीं करना, अगर तो अगर कुछ होर बंदे होंगे उन्होंने भी नाम वो इंक्लूड कर दिए जाएंगे, पर वो मैं लिस्ट लैके तेरे को बड़ी जल्दी आ रहा सर, उन्होंने अप्रूव करो तो आप ट्रैफिक प्रॉब्लम तो निजात पाइए सर। तो मेरे अज यही मेन तीन पॉइंट ही, टूरिस्ट टूरिस्ट का सब तो ज़्यादा ध्यान रखो, अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे नतमस्तक नहीं होंगे उत्थे आएंगे उन्होंने मन च डर होएगा तो देखो टूरिस्ट घट जाना सारी बिजनेस जी है कम्यूनिटी जी अफेक्ट हो जानी है। सैकेंड पॉइंट मैं गन कल्चर क्या है, डेटरेंस क्रिएट कर दो सिर्फ, होर कुछ करने की लड़ नहीं, ऑडिट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, जिन्ना मर्जी जोर ला लो कड़े ऑडिट करा लोगे, किसान के ऑडिट करा लोगे, CA आप ऑडिट्स करते हैं सर, वी आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड वी आर द एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है जी। तो ऑडिट उडिट की गल जी है करनी करी जाओ, पर डेटरेंस क्रिएट कर दो, ठीक है। एंड थर्ड मैं ट्रैफिक प्रॉब्लम का कह दिया, कमेटी के कुछ बंदे बना के मैं लिस्ट तुम्हें दे रहा, वो सारे फाइनेंस एंड रिफॉर्म पर्सनैलिटीज़ होंगे, सिर्फ उन्होंने रेकमेंडेशन लैके उन्होंने रेकमेंडेशन से अगर तुम इंप्लीमेंटेशन भी कर देंगे तो भी जो अमृतसर का बहुत जबरदस्त लैवल से सुधार हो जाएगा। और यह सारिया गल्ला करने तो बाद मैं तो बस यही कहना चाहूँगा सर, जसकरण सर यू आर ए वेरी गुड परसन, यू हैव कम टू द
ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਔਰ ਕੁਝ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕਸ ਆਪਾਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਫਿਸਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ CME ਥਾਂਡਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਉੱਪਲ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਕਸ਼ਮ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।